तड़प तड़प के दिल से आह निकलती है, प्यार में फना हो जाने की ख्वाहिश है, स्वरा को अपना बनाने की चाहत है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल है हमारे लक्ष्य बाबू का, जो स्वरा के प्यार में कुछ ऐसे डूब गए हैं कि बन बैठे हैं स्वरा के मजनू। तो स्वरा के लिए इन मजनू ने काटा अपना हाथ और घर वालों ने क्या तमाशा किया, चलिए आप भी देख लीजिए। बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को दबा किया। लक्ष्य प्यार में तड़पा, स्वरा के लिए लक्ष्य की मोहब्बत, प्यार को पाने की एक कशिश, एक दर्द जो बन गया अब जुनून। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। आशिक लक्ष्य का दिल हो गया है स्वरा के प्यार में पना, उठाया ऐसा कदम कि स्वरा का भी हाल हुआ बेहाल। स्वराग्नि के सेट पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देख हर किसी के होश ही उड़ गए। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। चलिए लक्ष्य से ही जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या है कि मैं स्वरा को वापस अपनी लाइफ में पाना चाहता हूँ और वापस लाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो पता नहीं क्या लक्ष्य का, आई थिंक ये चीज़ जो मैंने की है ये बहुत गलत चीज़ है, किसी को नहीं करनी चाहिए, पर ये मुझसे गलती हो जाती है और समेर इट इज़ की स्वरा डर जाती होगी। ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा, अगर कोई भी लड़का अगर ऐसे लड़का करेगा तो ये मुझे करना नहीं चाहिए था। पर मजनू की तरह मैं अपना हाथ काट लेता हूँ और स्वरा को कहता हूँ कि प्लीज़ एक और मौका मुझे प्लीज दो, मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में आने के लिए। तो बस ये है कि गलती हो गई है, जो मुझे बाद में रियलाइज भी होती है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। तो ये सब ड्रामा अपने स्वरा को पाने के लिए किया। वेल, ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ हो गया है और रागिनी ने उफ तक नहीं किया, ये सीन कुछ हजम नहीं हुआ। रागिनी पहली बार लक्ष्य के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, भला वो क्यों? हाँ, लक्ष्य को लेकर तो अभी थोड़ा कंसर्न और प्यार कम ही हो गया है, क्योंकि रागिनी तो ये सोचती है कि लक्ष्य ने स्वरा और संस्कार के साथ मिलकर उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है ऑब्वियसली सच बाहर निकालने के लिए। तो अभी लक्ष्य की तरफ ऐसा कुछ प्यार नहीं है। तो और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लक्ष्य भी बोलता है कि अगर स्वरा को, कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तो जान दे दूंगा। तो फिर मैं भी उससे सजेस्ट कर देती हूँ कि अगर आप ऐसा करें तो देखते हैं अगर वो आती है कि नहीं। सो इन सम वे आई हैव सजेस्टेड टू हिम कि ट्राई कीजिए लाइक व्हाटएवर। सो ये करने के बाद कंसर्न तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यू आर प्रॉबेबली सॉर्ट ऑफ द रीजन बिहाइंड इट। तो हाँ, इसलिए अभी कोई कंसर्न वंसर नहीं है। क्या ये आप सच में कह रही हैं या फिर आपकी ये कोई नई चाल है, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। और अब ये भी देखना होगा कि बेचारे लक्ष्य का आगे क्या होगा, क्या स्वरा लक्ष्य को मिलेगी या फिर लक्ष्य सिर्फ तड़प कर ही रह जाएगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। दोस्तों, जोर का झटका तो जोरों से ही लगता है, लेकिन ये सब बिहान की भाभियों को कौन समझाए। भाभियों ने लिया श्रद्धा से पंगा और श्रद्धा ने भी फट से ले लिया बदला
और भाभियों का किया ऐसा हाल जिससे सुन के आप हो जाएंगे हैरान। भाभियों की चाल पर पानी ही नहीं बल्कि फिर गया गोबर। अरे अरे, बिहान की भाभियों को क्या हुआ? ये कैसे हुआ? किसने किया इनका ये हाल? जी हाँ, ये हाल किया है ध्रुव की होने वाली मंगेतर श्रद्धा ने, जिन्होंने लिया है बिहान की भाभियों से पंगा और कर दिया है भाभियों का ये बुरा हाल। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। लेकिन ये क्या, ये भाभियाँ तो गोबर लगा के बड़ा ही कॉन्फिडेंट फीलिंग ले रही हैं। दिस इज कॉल्ड गोबर स्पा। हमारा चेहरा इससे बहुत खिलेगा और आपको चाहिए तो आप प्लीज हमारे पास आना, हमारे पास बहुत सारा गोबर है। थपकी के घर शुरू हो गई है अजीबो गरीब हरकतें और ये कर रही हैं श्रद्धा मैडम, क्योंकि भाभियों ने श्रद्धा को किया था काफी टॉलरेट। हुआ कुछ यूँ था कि श्रद्धा के ड्रेसेस पर भाभियों ने ऐसा कमेंट किया कि श्रद्धा ने अपने जूस के आइस गिराकर भाभियों को गोबर के दलदल में धकेल दिया। भाभियों का ये हाल देख गुस्सा तो आना ही था, बस क्या, इन भाभियों की लग गई क्लास। चली जाओ अब, जा जाके नहाओ, घर में काम पड़े हैं, जाओ। अब जब गोबर स्पा हो गया तो जरा सेल्फी का टाइम भी हो जाए। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। वहाँ जी वहाँ, गोबर के रंग में रंगी ये भाभियों का ड्रामा तो चलता रहेगा। देखना ये है कि अब आके श्रद्धा क्या क्या नए रंग दिखाती हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। माँ जी करते हुए गोपी ने कोकिला मोदी का दिल तो जीत लिया है, लेकिन इसके बाद गोपी होने वाली है काफी हैरान और परेशान। गौरा की चाल में कोकिला मोदी हुई शिकार। विद्या और मीरा के कंधों पर बंदूक रखकर किया वार। इस जंग में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये हम आपको बताएंगे ना यार। कोकिला के खिलाफ एक और साजिश, कोकिला के लिए बिछा एक और जाल, कोकिला मोदी हुई किडनैप, गौरा ने चली घिनौनी चाल। और ये सब हुआ है गौरा के मुताबिक। कुछ भी कहो, कठपुतलियों को अपनी उंगलियों पे नचाने का मजा ही कुछ अलग। हुआ कुछ यूँ था कि गौरा ने अम्बे माँ के विसर्जन के दौरान ये साजिश रची। उन्होंने मीरा और विद्या को मजा चखाने के लिए कोकिला को किया संदूक में बंद। देखिए, हम कहते हैं ना कि जब दुष्ट होते हैं, जो नराधम होते हैं और जो मानवता की दृष्टि से बहुत ही नीचे हद तक गिर चुके हैं, उनके लिए ईमान, धर्म, इंसानियत ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, ये शब्द भी उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं गौरा ने गुंडों के द्वारा मुझे फिर से विश्वासघात मेरे साथ किया, धोखा किया है और सर पे वार करके, पीठ के पीछे वार करके मुझे बेहोश करके संदूक में डाल के पानी में डाल दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले के दो हाथ होते हैं, बचाने वाले के हजार हाथ होते हैं। कोकी का बाल भी बाका नहीं होगा, इतना अवश्य कहूँ। गोपी अपनी माँ जी को ढूंढते पहुँची गौरा के पास, लेकिन माँ जी तो वहाँ से भी गुम थी। अब तो यहाँ गोपी का परेशान होना लाजमी था। गोपी ने विद्या और श्रवण से पूछताछ की, लेकिन गोपी के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन विद्या को शक था कहीं न कहीं ये गौरा ने उनकी दादी के साथ कुछ कर दिया है। ये संदूक और ये मूर्ति कहाँ से रखी? अरे बहू रानी, तेरी दादी ने मुझे बलि चढ़ाने तो दी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि महिषासुर का की मूर्ति का ही विसर्जन कर। माता रानी,
इस बार मेरी ये स्वीकार कर। देखिए हम कहते हैं ना कि चालबाज चाल चलने से बाज नहीं आते हैं, तो ये मेरे लिए कोई नवीन बात नहीं है कि गौरा चाल पर चाल खेले जा रही है। मेरे लिए सबसे अहम बात है मेरी पोतियों का यानी विद्या और मीरा की सुरक्षितता, और कहीं ना कहीं अब मैं गौरा की दुष्टता को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ और वो बलि देना चाहती थी मूक पशु का, बकरी का, मैंने उसे रोक लिया था और उसे सबक सिखाया, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरी तरह से बिफर चुकी है और अब वो जान लेने पर आमदा आन पड़ी हुई है और मैं उसे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो उसी सिलसिले में हम विसर्जन तक पहुंच गए हैं, क्योंकि गौरा ने ये कह दिया है कि वो मैंने उसे बकरी की बलि नहीं चढ़ाने दी, तो अब वो विद्या और मीरा दोनों में से किसी की भी बलि देगी और ये तो आप जानते ही हैं मेरे प्यारे दर्शक कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो बस इसी सिलसिले में यहाँ पहुंच गई हूँ और ये अवश्य कहूंगी कलयुग है, अंतिम चरण पे है कलयुग और गौरा जैसे दुष्ट लोग भी इस युग के प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं अब बस पाप का घड़ा भर गया है, अब छोड़ूंगी नहीं गौरा को, माँ जगदम्बे की सौगंध। अब गौरा कोई हाई वोल्टेज ड्रामा ना करे ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ भी गौरा ने शुरू की नौटंकी। बाजी भगवान प्रिंसेस बोल रही है, तो पंप पंप किधर है बाजी? आपका पंप का लगता है घर पे रह गया। फिक्र मत कीजिए बाजी, मैं भी लेकर आता हूँ, आरती कर लो ठीक हो जाएगा। यानी कि साधिया के सेट पर जमकर ड्रामे होने वाले हैं, दर्शकों को फुल सस्पेंस वाला एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जाते जाते कोकिला क्या कह रही है खास तौर पर आपके लिए, जरा सुनिए। तो मैं इसे परेशानी नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य कहती हूँ, क्योंकि ये दर्शकों का निस्वार्थ प्रेम है, पूरे स्टार प्लस प्रोडक्शन हाउस, हमारे साथी कलाकार सबकी मेहनत है कि साथिया पिछले 6 सालों से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और 6 साल में यदि एक कलाकार के रूप में मुझे इस तरह के प्यारे सीन्स करने मिलते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर दर्शकों का प्यार है और सभी की दुआएं हैं मेरे साथ कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी बेहतर मैं महसूस कर रही हूं और मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उनकी प्रार्थना में मैं थी। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। शहनाई बजेगी, मेहंदी रचेगी, डोली सजेगी और निकलेगी किसी की बारात, शादी का समा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसकी शादी की बात चल रही है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे शकुनी मामा की, जिनके हाथ होने वाले हैं आज पीले, जो ले जाएंगे आज अपनी दुल्हनिया को। टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाकर पॉपुलर हुए एक्टर प्रणीत भट्ट आगामी 4 तारीख को गर्लफ्रेंड कंचन शर्मा के साथ 7 फेरे लेने जा रहे हैं। बिग बॉस 8 के कंटेस्टेंट रह चुके प्रणीत की शादी लखनऊ में होगी, बाकी रस्में जम्मू में शुरू हो गई हैं। जम्मू में चल रही प्रणीत की हल्दी और संगीत सेरेमनी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। फोटोज में ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आ रहे प्रणीत फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके क्लोज फ्रेंड सुशांत दिग्विकर भी मौजूद हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। आज बीवी हाउस में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सना खान लेने वाली है मेहमान बनकर एंट्री, लेकिन उनके घर में जाने से पहले हमने की एक मुलाकात और उनसे जाने कुछ खास बात। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि सना खान का घर में जाने के लिए क्या है गेम प्लान। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे हर साल पता होता है कि मुझे बिग बॉस के घर पे जाना ही होगा। यू नो, मेरा एक जैसे वो शगुन का नारियल होता है ना, आई एम लाइक दैट। आई फील वेरी हैप्पी एक्चुअली, यू नो, बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट्स रहे बिग बॉस में और जब यू नो जब वो 4, 5 या 6 कंटेस्टेंट को चुना जाता है हर सीजन वापस अंदर भेजने के लिए, इन टर्म्स ऑफ छोटा कर लो बड़ा कर लो, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड टू बी वन ऑफ देम इज अ वेरी प्राउड मोमेंट, बिकॉज आई रियली फील
यू नो मेरे सीजन में बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला था, मैं डम्मू ब्लॉन्डू पता नहीं क्या क्या बोला था. उसके बाद यू नो मेरे सीजन से जिस हिसाब से मैं रिपीट हो रही हूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी. ऑफकोर्स जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर भी मुझे लगा कोई मुझसे बात नहीं करो, मुझे आधा घंटा चाहिए इसे ऑब्जॉर्व करने के लिए यू नो. बट बहुत मजा आया. कंटेस्टेंट्स में से कुछ लोगों को मैं पहले से जानती थी, एक दो जन को एक्चुअली, बहुत लोगों को नहीं. तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड किया मैं अंदर जाऊँ बात करूँ. सब लोग बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया दिल खोल के. और मैंने भी उनसे बहुत अच्छे अच्छे टास्क करवाए एंड दे वर सो स्वीट यू नो. वो ऐसे नहीं थे कि अरे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया हम क्यों करें. वन थिंग वेरी नाइस अबाउट देम वॉज दैट दे रिस्पेक्टेड द गेस्ट बैक यू नो. और वही दिखाता है कि कौन कितना अच्छा है घर में रहने के लिए. बिकॉज अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हो, किसी को इंसल्ट करते हो, वो सामने वाले का कुछ नहीं जाता यू नो, यू लुक बैड. तो मेरा हमेशा से यही मानना है, बिकॉज मेरे से जब कोई लड़ाई भी करता है तो मैं कभी भी रिवर्ट बैक नहीं करती हूँ अंडर अनलेस कोई यू नो उस लेवल क्रॉस कर दे, मैं चुपचाप निकल जाती हूँ. हमारा भी सीजन होता था, कोई बाहर का इंसान आके कुछ बोलता था, हम उस पर सोचते थे कि अच्छा मतलब कुछ गलत हो रहा है या कुछ कम हो रहा है. तो हम उसको यही रीजन होता है, बिग बॉस का मकसद होता है लोगों को अंदर भेजना, सो दैट यू नो यू टेल देम वॉट टू डू. वीक में रिली तो डिसइंटरेस्टेड है, सो आई कांट से वेदर शी इज वीक और डिसइंटरेस्टेड. बहुत क्लियर है इसको कुछ नहीं करना है. वीक में दिगांगना इज वेरी वीक यू नो इन टर्म्स ऑफ एंड इवन युविका, ये दोनों थोड़े, बट युविका थोड़ा बोलती है, बट स्टिल आई फील बिकॉज आई डोंट नो वो लोग का कुछ घर में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. जैसे सलमान ने कहा तो पीछे दिया लेके चलती है क्राउड में, वैसी वो एक्चुअली बेचारी बहुत क्वाइट है, बट दे आर वेरी स्वीट. और स्ट्रॉन्ग में तो बहुत सारे हैं यू नो, इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरा घर ही स्ट्रांग है. और फिलहाल सबका जो स्ट्रेंथ टीवी पर दिख रहा है ना, इट्स इक्वल. तो बोला कोई बोल नहीं सकता है कि क्या है. जैसे आज मैंने अमन को भी बोला यू आर वेरी स्ट्रांग, बट आप सिर्फ फेस से स्ट्रांग लग रहे हो, हम ऑडियंस माइंड रीडिंग नहीं कर सकते हैं. तो आप जो सोचते हो बोलो, अगर आप बोलोगे नहीं हमको पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज पे स्टैंड ले रहे हो, किस चीज पे नहीं, और किस स्टैंड पे आपका क्या बोलना है हमको जानना जरूरी है. दैट इज वेन वी वोट फॉर यू यू नो. सो आई थिंक ही सेड यस. अभी देखते हैं, बट ऋषभ ने तो काफी धमाल मचा के रखी है घर में, तो देखते हैं क्या होता है. अब मजा आएगा. एक्चुअली शो अभी बिल्डअप होने वाला है आफ्टर दिस वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंड द वाइल्ड कार्ड एंट्री इज क्वाइट वाइल्ड. बिग बॉस के हाउस में हो गई है डबल ट्रबल, क्योंकि वहां शुरू हो चुका है हाई वोल्टेज ड्रामा. बिग बॉस के हाउस को बदल दिया गया है अब बीबी होटल में, जहां आए गेस्ट और ऋषभ ने मिलकर घर वालों को किया इतना परेशान. तो जरा आप भी देखिए, सीढ़ी मारो, तमाशा देखो. मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि अभी इसी वक्त कीथ अपने स्विमिंग ट्रंक्स में आए और स्विमिंग पूल में थोड़ा चिल करें. ये मैम रात को स्विमिंग पूल नहीं होता, सही नहीं लिखा हुआ है, और ये भी लिखा कि होता है. तो? अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हर मेरी बात में अगर आप अड़चन डालें, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे. नहीं एक सेकंड सॉरी, एक्सक्यूज मी सर, कौन सी रीजन से आप मना कर रहे थे? सर रीजन मेरा अपना है. आपका अपना है, लेकिन ये होटल आपका नहीं है, आप यहाँ पे मैनेजर हैं. आप मैनेजर हैं, तो इस टाइम पे जो अथॉरिटी है मेरे हाथ में. हाँ, लेकिन आप मैनेजर हैं, आप यहाँ के ओनर नहीं है. आप मैनेजर हैं, तो आप इस होटल के तहजीब में बात करनी होगी. मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरी बात काट रहे हैं. आपको तहजीब में बात करनी होगी. आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं, आप जहाँ जिस रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते पे मैं जाके दो झंडे गाड़ के वापस आ गया. तीन घंटे से किश्वर ऑन हर लेग्स, तीन घंटे से ऋषभ को हड्डी फेंक रहा है, वो भी कर रही है क्योंकि टास्क है. बट इफ यू आर अ मैन, बिहेव लाइक वन. मैनेजर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. यस सर, मैं भी आता हूँ, आप भी आइए. क्योंकि उस दिन नहीं, क्योंकि उस दिन की वही बात बोली थी, नॉर्थ साउथ मिलेंगे बीच में. जो आप करना चाहते हैं आप करिए, मेरा गेस्ट आप जितना जाना चाहते हैं अभी सर जाइए. अभी एक सेकंड, आप सुनते क्यों नहीं है सर? मैं बंदा हुआ सर, खुल जाएगा ना. एक दो दिन की बात है. हाँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं. एक दो दिन की बात है. हाँ सर, अभी मेरा अभी तो क्या मतलब है. हाँ,
आपसे बात करना, क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं। जब आप हमारे गेस्ट नहीं रहेंगे देन आप ट्रस्ट मी, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओवरडोज दिए जाएंगे। किस चीज का ओवरडोज होगा? जो मेरे हक में, आपके हक में आप मुझे दीजिएंगे, और जो मेरे हक में आपको। देख भाई, मैं अभी तक भाई नहीं हूँ, भाई नहीं हूँ, ठीक है। मैनेजर, अभी तक मैं तुमसे वो बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर तुम गेम ऑन करना चाहते हो तो सामने से बोल दो। गेम ऑन हो चुकी है सर। नहीं बोलो, गेम ऑन हो चुकी है। प्रेम रतन धन पायो का चढ़ा है बुखार, सितारों पर छाया है सलमान का प्यार, हो गया है सितारों का डब स्मैश तैयार, जिसे आप देखना चाहेंगे बार बार। वैसे दोस्तों, ये डब स्मैश का आइडिया है तो सुपर्ब, लेकिन न जाने आजकल सभी सितारों पे क्या खुमारी चाहिए है प्रेम रतन धन पायो की, जिसे देखो वही इस गाने पे ठुमके लगाता नजर आ रहा है। जैकलीन हो या फिर हो शिल्पा शेट्टी, ये सभी सोशल साइट्स पे मचाए हुए हैं धमाल। सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रेम रतन धन पायो का है सभी को बेसब्री से इंतजार। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो। प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो। सलमान के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स जिस फिल्म का हिस्सा भी नहीं है, उन पर भी चढ़ रहा है प्रेम रतन धन पायो का बुखार। सभी अपने अपने तरीकों से सल्लू मियां के इस फिल्म को प्रमोट करने में बिजी दिख रहे हैं। अब देखिए सलमान की इस हीरोइन को। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो। प्रेम रतन। अब भला जैकलीन सलमान के लिए इतना तो कर ही सकती है, आखिर वो सलमान ही तो है जिनकी वजह से जैकलीन को मिली है सक्सेस की किक। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो। प्रेम रतन। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की दो और ब्यूटीफुल लेडीज ने सलमान के फिल्म के गाने पर ठुमके लगाए, और वो भी डब स्मैश स्टाइल में। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो। प्रेम रतन, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो। प्रेम रतन। ये दोनों गॉर्जियस लेडीज एक दूसरे को कम्पीट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। फिर क्या हुआ ये देखिए, शिल्पा शेट्टी को माननी ही पड़ी श्रीदेवी के सामने हार। देखिए किस कदर अपने योगा स्टाइल में श्रीदेवी के सामने घुटने टेक दिए। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो। प्रेम रतन, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो। प्रेम रतन। चलिए, जिस तरह से सलमान के फिल्म का जादू बॉलीवुड के सभी लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, और जिस तरह से फिल्म के गानों को रिस्पांस मिल रहा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि फिल्म सुपरहिट नहीं सुपर डुपर हिट साबित होगी। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो।